हमारा रिसॉर्ट है, इसी रोड से अभी हम अंदर आए थे और ब्यूटीफुल सा रिसॉर्ट। तो अभी कर लेते हैं चेकिंग का प्रोसेस। अच्छा है ना, कुछ अलग सा बनाया है, काफी यूनिक है, अच्छा लगा हम लोगों को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जस्ट रेयर थिंग्स। जैसे अपने पुराने व्लॉग में देखा था कि हम ड्राइव करके महाबलेश्वर आए थे रिजॉर्ट में, आप देखो पीछे का व्यू यहाँ पे कितना अमेजिंग हो रहा है। मैं आपको पूरा रिजॉर्ट का गो थ्रू कराऊंगा, हमारे जो रूम है उसका भी गो थ्रू कराऊंगा। तो मैं आगे एंट्रेंस से आगे जो उनका डेक है और यहाँ पे रेस्टोरेंट कहाँ पे, तो सब चीज़ें मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा। लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है इसलिए हम दो मिनट वेट कर रहे हैं कि यार अगर बारिश थोड़ी चले जाए तो फिर मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा टूर। ठीक है, आओ सी दिस फॉग। यार ऐसा लग रहा है कि हम हिमाचल में आए हैं और यहाँ से व्यू देखो, तब से कितना सही व्यू था, अब देखो पूरे पहाड़ गायब हो गए और लोग मज़े कर, वहाँ से भी सीढ़ियाँ और नीचे जा सकते हैं। देखो नाइट आपको तो यहाँ पे दिखा दे, ये जो ये इनका अंदर रेस्टोरेंट है, ये वाले सुप्रीम रूम्स हैं इनके, और यहाँ से जो अंदर एक रूट जाता है जो नीचे जाता है इधर, और यहाँ पे भी नीचे रूम्स है। रूम्स का जो है ना ओपन व्यू है, सिर्फ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, वो ये बीच में आता है करके यहाँ पे गार्डन व्यू हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले पूरा ऐसा व्यू आता है। आप सोचो इन लोगों को जो व्यू आता होगा यहाँ से, कितना अमेजिंग व्यू आता है। और यहाँ पे भी ये पूरा डेक है ना बैठने का, आराम से यहाँ पे बैठ के आप चिल कर सकते हो। और रात में भी ना यहाँ पे लोग बैठे हुए थे मस्त। अब बताओ इतना अच्छा ओपन वेदर में कौन नहीं बैठेगा बताओ। और नकटू तो ऐसी कि डेक से हिल ही नहीं रही है, वो कल रात में भी डेक पे आई थी कि नहीं, हाँ इसलिए। देखो ये एरिया है स्विमिंग पूल और गार्डन के लिए, और ये है ऊपर पार्किंग की तरफ जाता है। ये वाले रूम से जो मैं आपको ऊपर से दिखाया था ना, ये रूम और नीचे गार्डन व्यू रूम, वहाँ पे भी एक छोटा सा डेक बना हुआ है। नाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू कैसा आता है। ओ माय गॉड, सी दिस, वो देखो कितना प्यारा दिख रहा है वहाँ पे। यहाँ पे एक रिजॉर्ट दिखाता हूँ मैं आपको, सी दिख रहा है वो पीछे रेड कलर वाला। यार मैं सोच रहा हूँ कि फार्म हाउस यहीं पे ले ले, क्या बोलते हैं? देखो नकटू वीडियो निकाल रही हूँ उनका। ये इनका रेस्टोरेंट है।
नहीं आएगा। ये देखो हमारी प्लेट्स हैं। डॉक्टर ने क्या लिया है तुमने? बढ़िया। देखो यहाँ पे ये रूम है, यहाँ से ही अंदर एंट्री है। जैसे ऊपर ये सुपीरियर रूम है ना, वैसे यहाँ पे। तो इधर अंदर नहीं है, यहाँ पे स्टेयरकेसेस है। ये जो फ्लोर है ना, यहाँ पे 201 से 211 तक है ये लॉबी इनकी। तो ये अपना रूम है, टेक यू इनसाइड। एंटर होते से राइट साइड में है वॉशरूम, ये हम लास्ट में देखेंगे। और लेफ्ट साइड में आपका वाटर शॉर्ट, इन शॉर्ट वाटर। यहाँ पे अपने क्लॉथ्स सब डाल सकते हैं, जैसे कि हमने भी डाला है, ठीक है। तो जैसे कि हम आपका रूम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा किंग साइज बेड, और यहाँ पर आप इन्होंने दो चेयर दी हुई है, यहाँ पर टीवी दिया है जो कि आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो। ये सामान इग्नोर करना, ये हमने अभी लाके पटका है। उसके बाद फिर आइए, ये हमारे खाने पीने का सामान, ये मेरा बैग, और यहाँ पे उन्होंने दिए केटल, शुगर है, मिल्क पाउडर है, टी है, ग्रीन टी है, और दो बेली पानी बॉटल, और ये भी हमारा है। यहाँ पर अवेलेबल क्या क्या है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आयरन, अवेलेबल नहीं है मिनी फ्रिज, अवेलेबल नहीं है। तो ये रूम है डीलक्स वैली व्यू रूम, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप थंबनेल लेके यहाँ पर आए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ वो व्यू। चलिए देखिए, दिस इज द मेन हैक ऑफ दिस रिजॉर्ट एंड दिस रूम्स। यहाँ पे इन्फिनिटी पूल है जैसे हमने आपको ऊपर से दिखाया था, और ये भी एक डेक है, यहाँ पे भी आप रात में चिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं उठी रात में बैठ के बैठेंगे, गप्पे करेंगे, रात में लेट नाइट हम कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, शाम को पकौड़े खाएंगे, चिप्स खाएंगे, और एक मस्त सी कोजी सी बालकनी भी दी हुई है। हाँ, तो प्यारी सी। यहाँ पे दो लोग ऐसे बैठ सकते हैं। तो ये सारे रूम अच्छी तरीके से लाइन से है, बालकनी सारी। और इसमें कैसे जो राउंडेड है ना, ये सब डीलक्स वैली व्यू रूम है, और ये आपको स्ट्रीट बालकनी दिख रही है, ये इनका एग्जीक्यूटिव रूम है। देखो धूप कम होते से कितना प्यारा व्यू, और ये जो है ना, दिस इज कृष्णा रिवर, तो उसका जो व्यू आ रहा है यहाँ पर ना, बहुत प्यारे प्यारे फोटोशूट हो सकते हैं, और बहुत अच्छे से रील बन सकती है, यूट्यूब शॉर्ट्स बन सकते हैं, तो अभी हम वही बनाएंगे। ओके, तो ये वॉशरूम है इनका। सॉरी हमने आके थोड़ा सा फ्रेश हुए थे तो ये गीला है, ठीक है। यहाँ पे टॉवल दिया है, ये सब मेरी चीजें हैं। ये मामा आरते हैं ना, ये नक्टू है बल्कि मेरी। मजे कैसे लगा तुम्हें रिसोर्ट? तो कैसा, मुझे तो रिजोर्ट देखा, तो आप ये जानना चाहते होंगे कि यार ये रिजोर्ट के कॉस्टिंग्स कितने क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इनके जो रूम्स है बेसिक से वो बताता हूँ। तो इनका जो सबसे बेसिक रूम है वो है डीलक्स रूम, जो कि नो व्यू रूम आता है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है। उसके जस्ट बाजू में एक रूम है, वो भी डीलक्स रूम है, वो थोड़ा सा गार्डन के साइड आता है, तो गार्डन व्यू रूम होता है। फिर उसके बाद में एक और रूम आता है विच इज डीलक्स वैली व्यू रूम, विच इज दिस व्यू। आगे जो दो रूम है वो भी वैली व्यू रूम ही है, बट दैट इज वन इज सुपीरियर, वन इज एग्जीक्यूटिव रूम। उसके कॉस्टिंग्स और थोड़े से ज्यादा है, एंड सबसे जो हाईएस्ट है वो है फैमिली सुइट, जो कि ऊपर टॉप में है, जो उसका कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 8000 के आसपास है उनका एक दिन का, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ सिर्फ इस रूम की, इस रूम का कॉस्टिंग कितना है डीलक्स वैली व्यू का जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो ऑनलाइन भी आपको दिखाई देगा या यहाँ पे भी है, दैट इज 4000 रुपीज फॉर वन डे। इसका एक्चुअल कॉस्ट है, अगर आप कभी भी कॉल भी करोगे ना तो आपको यही कॉस्टिंग मिलने वाला है, जो सीजन वाइज भी चेंज होगा। बट मैंने ये रिजॉर्ट बहुत सर्च करने के बाद में जब ऑनलाइन मैंने इसका प्राइसिंग निकाला, दैट वॉज 3300 रुपीज, ये मुझे कॉस्ट आ रहा था वहां पे आफ्टर डिस्काउंट्स एंड ऑल। लेकिन हमारे पास पर्सनली कूपन्स वगैरह थे, तो हमने उससे और डिस्काउंट अलॉट करके फाइनली ये जो रूम मुझे मिला है, दैट 2275 रुपीज। यस, ये जो हमारे पास कूपन थे ना उसके वजह से ये हुआ है। लेकिन 4000 रुपीज भी अगर आपको मिल रहा है ना, तो मैं बोलूंगा बुरा नहीं है, वर्थ है, बिकॉज इसका जो व्यू वगैरह है, रूम इतना स्पेसियस रूम है, अच्छी खासी स्पेस है, यहाँ पे रूम अराउंड करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह, तो आप आराम से, जैसे मैं बेड पे बैठा हूँ और देखो वहां पे सामने व्यू आ रहा है, अमेजिंग।
तो ये एक चीज अच्छी है यहाँ पे कि यार रिजोर्ट में आके चिल कर सको। इतना बड़ा रिजोर्ट है ना, आप ऊपर भी जाओगे जैसे मैंने डेक पे देखा, वहां से भी बहुत अच्छा व्यू आएगा आपको। तो ऐसा रिजोर्ट है, और इन्फिनिटी पूल तो बड़ी मुश्किल से कहीं रिजोर्ट्स में मिलता है क्योंकि बीच में बनाते हैं, वो भी होता है। तो ये वो भी चीज यहाँ पे अच्छी है। और आपको पता है कि जहाँ पे इन्फिनिटी पूल आता है वहाँ पे 8,000-10,000 के कॉस्टिंग्स होते हैं बेसिक्स रूम के, बट यहाँ पे इतना मतलब फीजिबल रखा है इन्होंने प्राइस, वो चीज़ हमें अच्छी लगी यहाँ पे। और प्रमोशन नहीं है बिकॉज हम पर्सनली घूमने आए थे, हमने ऑनलाइन चेक किया करके हमने ये रिजॉर्ट नहीं। हमें अच्छा लगता है आप लोगों को शेयर करें ये चीज़ें ताकि आप लोग भी ऐसे रिजॉर्ट्स विजिट करें। इनके ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, तब आप ऊपर जाके रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नए न्यूली मैरिड हो तो इनके पास एक और ऑप्शन है कि ये यहाँ पे ऊपर है ना कैंडल लाइट डिनर कराते हैं, तो उसके ना 2,000 rupees उनके चार्जेस है, वो भी चेंज होते हैं फॉर कपल्स। एंड नाउ विद द सर्विस पार्ट, हम जब रिसेप्शन भी गए थे तब भी उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी होता है ना कि हम कभी रिजॉर्ट पे पहुंचते हो, होटल पे पहुंचते हो, आपको फ्रेश होने का मन होता है। हम आते से जैसे बाथरूम में मैं गया ना फ्रेश होने के लिए, तो नल खोलते से गर्म पानी। सेकेंड चीज, रूम सर्विस भी इतनी अच्छी थी कि मैंने उनको कॉल करके जब मैंने बोला कि हमें चाय पीनी है चाय भेज दो, तो उन्होंने आई थिंक एक हार्डली 8 से 10 मिनट में उन्होंने चाय प्रोवाइड करी। कपल्स के लिए भी अच्छा है बिकॉज उनको थोड़ा सा रोमांटिक व्यू चाहिए होता है, थोड़ा सा अपना कोजीनेस और टाइम स्पेंड करने के लिए चाहिए होता, तो वो भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मैं उसको 4 स्टार दूंगा। बस इतना ही है कि थोड़ी सी रिनोवेशन की जरूरत है बाहर साइड में, हमें ऐसा लगता है। बाकी तो रूम वगैरह बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। अभी हम जब यहाँ पे आए ना, कोई भी रिजॉर्ट में कभी जाते ना तो हम रिजॉर्ट से निकलते हैं बाहर चले जाते हैं कि यार घूम फिर के करेंगे, लेकिन यहाँ जब से अभी हम आए ना तो हमारे साथ बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। व्यू यहीं पे, सब चीजें हैं, तो क्यों बाहर जाके आप सिर्फ उस चीज के लिए जाओगे यार जहाँ पे आप पहाड़ से यही व्यू देखने वाले जो हम यहाँ से देख रहे हैं कंटिन्यू, है ना। कि अगर किसी को मैप्रो गार्डन जाना है वो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस रिजॉर्ट पे, और यहाँ पे वेलोसिटी एंटरटेनमेंट पार्क भी है जहाँ पे आप गो कार्टिंग वगैरह भी कर सकते हो, वो यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये दो लोकेशन जो है ना और करीब, आपको अगर कभी महाबलेश्वर आना है तो आप कभी सोचे कि पंचगनी में रुकना है तो यहाँ पे रुक लिए एक दिन, इसको एक्सप्लोर किए, फिर महाबलेश्वर चले गए वहां पे रुक लिए कोई रिजॉर्ट लेके 2 दिन और या 1 दिन, और फिर वहां से आगे तापोला चले गए जो कि उसके भी आगे। तो ऐसा एक इटरनरी आप प्लान कर सकते हो। तो हम तो 2 दिन यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि हमने सोचा है कि एक दिन रिजॉर्ट एक्सप्लोर करेंगे और एक दिन हम अभी जाके मैप्रो गार्डन्स, और जैसे मैंने आपको बोला वेलोसिटी एंटरटेनमेंट जो मुझे कार्टिंग करनी है वो कार्टिंग करनी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो ठीक है, आज बहुत लेट आए, लेट हो गया अपने को, वरना आज एक आध दो चीजें हो जाती। हाँ, हो ही जाती, लेट हो गया जाते हैं तो, बिकॉज सुबह में कितना टाइम पास कर रहे थे आपने देखा वो कार वाले ब्लॉग में, इतना टाइम पास करी उसने ट्रिप में। किसी ने अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है कि हम यहाँ तक कैसे धक्के खा के पहुंचे, तो प्लीज आपको हमारा ब्लॉग देख लेना। धक्के खा के नहीं पहुंचे, मतलब आराम से पहुंचे हम, इतनी जल्दी भी नहीं थे, लेकिन रोड वगैरह बहुत अच्छे थे, हमें मजा आया। रोड ट्रिप जबरदस्त थी, रोड ट्रिप बहुत अच्छी थी, है ना। ठीक है, उम्मीद है मैंने सब चीजें आपको बता दी होगी। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड करो, तो लोगों को एक आइडिया आ जाएगा बिकॉज ये ऑनलाइन कहीं पर भी जल्दी आपको रिजॉर्ट मिलेगा नहीं, इसलिए दिस इज समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसलिए सभी को फॉरवर्ड करो और विजिट करो और अपना टाइम एंजॉय करो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो जो कि है जस्ट रेयर थिंग, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं ये रेयर सा रिजॉर्ट चीजें। करेक्ट, ओके गाइस, तो व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सो दिस इज टू ऑफ अस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग जो कि मैप्रो का है। एंड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सलामत।